और इसी बीच विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि लखनऊ से विकास दुबे की पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह बड़ी खबर क्योंकि विकास दुबे की पत्नी ऋचा की तलाश लगातार की जा रही थी, क्योंकि ऋचा दुबे लगातार शूटआउट वाली रात से ही फरार थी। पिछले 4 दिन से लगातार विकास दुबे की पत्नी भी लापता थी, लेकिन उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके बेटे को भी धर दबोचा गया है। मानस श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां और कैसे? देखिए, अभी भी जानकारी मिली है कि कृष्णा नगर इलाके से ही लखनऊ पुलिस ने ऋचा दुबे को गिरफ्तार कर लिया और साथ में जो उसका बेटा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी तुरंत इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन इस बात की पहले से उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, तो निश्चित तौर पर उसने अपने बाकी साथियों के भी, अपने परिवार के जो लोग जो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे इस घटना में, उनके नाम जरूर, उनके पता जरूर बताया होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई लीड पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी, लेकिन कृष्णा नगर से पकड़ा जाना क्या बताता है, क्योंकि यहाँ पर तो पुलिस गई थी, उसके पैतृक आवास, उसके आवास पर पहुंची थी, वहां पर बाकायदा नापजोक भी हुई थी, क्या उसी आवास से? बिल्कुल, देखिए वो घर लगा पूरी तरीके से सील है और उस पर ताला पड़ा हुआ है। उस घर से पहले जिनसे ही वहां पर कोई नहीं था, लेकिन क्योंकि पुलिस लगातार पीछा कर रही थी और ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं से लीड मिली हो, और हो सकता है कि विकास दुबे से ही लीड मिली हो पुलिस को तफ्तीश के दौरान, इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, क्योंकि इसको पता होगा कि और उसे कहां कहां पर ठिकाने। देखिए, लखनऊ में और कानपुर ब्लॉक बीच में कई ऐसे ठिकाने विकास दुबे के हैं, उसके परिवार के लोगों के हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो बहुत बड़ी संभावना है कि विकास दुबे से पुलिस को पूछताछ में लीड मिली और उसके बाद हरदोबोचा और पुलिस ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।